यहाँ? बस बहुत खुश हूँ एहसास के बर्थडे की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से. आई कॉन्स्टेंटली सीन हर ग्रो, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल हर सेलिब्रेशंस. एहसास का वर्क एथिक बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो बचपन से ही प्रोफेशनल है, तो आपको उनमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा दिखता है. मतलब इवन इफ शी इज़ योर फ्रेंड, यू ऑलवेज स्पॉट कि यार ये इंसान बहुत ज़्यादा मिशन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट एहसास. आपने नाम ले लिया उनका, गौर गोपाल दास प्रभु, वो मेरे फेवरेट है. और इंडियन आर्मी के रैम्बो मेजर विवेक जेकब, वो मेरे फेवरेट है. एंड ऑफकोर्स एहसास इज़ वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स. अरे अब इस्कॉन इस्कॉन वाले बंदे हो. मुझे राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे लोगों का इंटरव्यू भी लेना है. देखेंगे, बहुत कुछ प्लान्ड है. एंड मेनली इंडियन मिलिट्री का टाइम आ चुका है, तो लॉट्स मोर मिलिट्री इंटरव्यूज, आर्मी नेवी एयर फोर्स. कोई लाइनअप है लाइक ऑन एयर करने के लिए इस वीक पे कुछ देखने मिलेगा? इस वीक जानवी कपूर आ रहे हैं फ्राइडे को, और होपफुली इस महीने वील कवर आमिर खान में भी, देखते हैं. आमिर खान की बात अपने ही लाल सिंह चड्ढा काफी चर्चे में है, काफी लोग कह रहे हैं बॉयकॉट भी कर लो, आपका क्या राय है उसके ऊपर? I would not like to say anything. जानवी कपूर की नई सीरीज आई, उसके बारे में क्या कहना? जानवी कपूर एक अनडिस्कवर्ड टैलेंट है अकॉर्डिंग टू मी. बहुत लोग उनको लेके बहुत अजम्पशंस कर लेते हैं. आई फील कि पॉडकास्ट के थ्रू लोग उनके बारे में उनकी असलियत को जानेंगे. प्लीज़ वो एपिसोड देखिए हमारा. कोई ऐसी शख्सियत के साथ बहुत खुश हूँ यार, मतलब पॉडकास्ट करते तो आई जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू. आई फील जो रोगन इंटरनेशनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं, इंडिया को भी एक जो रोगन की ज़रूरत है, तो वो होपफुली हम बनेंगे, देखते हैं. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. इट्स सुपर फन एक्चुअली. यही मौका मिलता है जब एक्चुअली हम लोग हैंग आउट कर पाते हैं, वरना बिजी होते हैं अपने अपने लाइफ में, शूट्स ये वो वट एवर. तो या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट, टू हैंग आउट, टू हैव फन एंड विश आवर बिलव्ड फ्रेंड हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे एहसास. फ्रेंड की बात करें, इतने सारी वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया है, कोई ऐसा लाइक पर्सनल फेवरेट आप लोगों का हो? आई थिंक उसने रिसेंटली ना कुछ एड्स किए थे एक बहुत ही क्यूट लड़की के साथ में, तो मुझे वो एड्स बहुत अच्छे लगे थे जो हमने साथ में किए. ऑफ कोर्स इज अ ब्रिलियंट एक्टर, हम चाइल्ड एक्टर्स साथ में हुआ करते थे. आई हैव बीन सीइंग हर सिंस देन एंड लेटली जुगाड़िस्तान, मिसमैच, दोनों में आई हैव सीन हर डन फैब जॉब. आप लोगों के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगा, कुछ आने वाले समय में? यस वी आर वर्किंग, बट वो हम उस टाइम पे बात करेंगे.